हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। आपको बता दें, इंटरनेट चलाने वालों के लिए खुशखबरी है। जरा आप जुड़ जाइए, उसके बाद आपको बताएंगे कि सरकार के एक नए आदेश आए हैं और आप सभी के बेनिफिट है, क्योंकि बहुत लोग हमें लगातार बहुत दिन से लगातार रोज फोन कर रहे हैं कि इंटरनेट की सुविधाएं कब शुरू होंगी, इंटरनेट कब चालू होगा। कल आपको बता दें, आधिकारिक आदेश आए थे कि पहले तो थे आदेश की 2 तारीख तक, रात के 2 अगस्त तक रात को ये इंटरनेट चालू हो जाएगा, क्योंकि नूह में जिस तरीके से सांप्रदायिक दंगा फैला था, इसको लेके बहुत सारी वहाँ पर परेशानियाँ बढ़ी, सांप्रदायिक इशू इकट्ठे हो रहे थे, जिसको लेकर फैदाबाद, नूह, पलवल, सोना या आसपास के इलाकों में इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई। आपको बता दें, बहुत सारी चीज़ें मैसेज बंद कर दिए गए, बहुत सारी आपको बता दूं अच्छे खासे, जैसे कहते हैं कर्फ्यू जैसे हालात पैदा हो गए। फैदाबाद में एहतियातन तौर पर इसको ध्यान में रखते हुए इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई, और पहले 2 तारीख तक कहा गया, फिर कल आधिकारिक आदेश आया कि 5 तारीख तक आपको इंटरनेट की सेवाएं नहीं मिलेंगी। तो ये सोचिएगा, बड़ी दिक्कतें हो रही थी, लगातार लोग फ़ोन कर रहे थे कि इंटरनेट की सेवाएं कब शुरू होंगी, लेकिन अभी अभी एक आदेश आया है। जरा हमने सोचा कि अपडेट आपको दे दें, क्योंकि अभी फिलहाल के दौर आधिकारिक पुष्टि के साथ है, क्योंकि आदेश की कॉपी हमारे पास है, आदेश की कॉपी हमारे साथ है। आदेश की कॉपी में मात्र 3 घंटे का आपको बताऊं रिलैक्सेशन दिया गया। 3 घंटे के लिए आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं, कि बहुत लोग सोच रहे हैं कि 3 घंटे में क्या आप सोच रहे हैं, 3 घंटे में आप डाउनलोड कीजिए, कुछ भी करिए, बहुत परेशान होते हैं लोग। बाकी इंटरनेट में बहुत लोगों को फोन आते, भैया हमारा बिजनेस ठप हो रहा है, बहुत लोग कहते हैं हम वीडियो कॉल नहीं कर पाते, बहुत लोग कहते हैं कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो वहां इशू आ रहे हैं, क्योंकि ब्रॉडबैंड काम कर रहा है। ब्रॉडबैंड का मतलब ये होता है कि वाईफाई जो घरों में आप तार के थ्रू घरों में जो आप जाते हैं, फाइबर के थ्रू आपके घरों में इंटरनेट की सेवाएं चलती हैं, वो तो चालू है, लेकिन फ़ोन के थ्रू जो आप काम कर रहे हैं जो कहते हैं वो नहीं है आपका। मैं भी अभी इस पर आपको बता दूं, नॉर्मल फ़ोन का जो नेटवर्क है मैं यूज़ कर रहा हूं, कोई ब्रॉडबैंड यूज़ नहीं, तो मैं भी टेस्टिंग के तौर पे कि देखें क्या इशू क्या है कि नहीं। लेकिन आपको सभी को बता दें, मात्र 3 घंटे के लिए रिलैक्सेशन दिया गया, 3 घंटे का आप यूज़ कर सकते हैं। आज ही आदेश है, आदेश की कॉपी क्या है आपको बता दें, अभी जस्ट अभी आदेश है, 3 तारीख को आदेश है, क्योंकि आज 3 तारीख है। आदेश में साफ साफ कहा गया है कि 13 मतलब 1 बजे से लेके 4 बजे तक, ध्यान से सुन लीजिएगा, 1 बजे से लेके दोपहर के 1 बजे से लेके दोपहर के 4 बजे तक आप 3 घंटे के लिए इंटरनेट की सेवाएं यूज कर सकते हैं। हमें जरा बताइएगा कि अगर आपका पहले इंटरनेट चालू हुआ या नहीं है, क्योंकि अभी इंटरनेट अभी भी जस्ट हमें भी टेस्टिंग कर रहे हैं, इंटरनेट चालू हो चुका है। तो ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है जरा आपको बता दें, डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से, डिस्ट्रिक्ट या इलाका बता देते हैं, सोहना, पटौदी, मानेसर और आपका फरीदाबाद, नूह, पलवल, ये मतलब ये सारे एरिया हैं, आपको बता दें जितने भी नूह है, क्योंकि नूह का वैसे ही सांप्रदायिक दंगा फैला, तो वहां तो खासकर ये अभी फिलहाल के तौर पे इशू अभी है, लेकिन फिलहाल में तौर में सबके लिए आदेश हैं। नूह, फैदाबाद, पलवल और ये सोहना, पटौदी और मानेसर, ये कुछ और गुरुग्राम के कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट के, गुरुग्राम के कुछ हिस्से आते हैं, इसलिए तो लगातार जितने भी तमाम साथी हमारे साथ देख रहे हैं कि आपके लिए थोड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए जो टेंशन आ रही थी, कुछ स्कूल के बच्चे थे, होमवर्क आ रहा है उनके पास, डाउनलोड नहीं कर पा रहे होमवर्क, क्योंकि उनके लिए परेशानी इस बात के लिए आ रही है कि किसी के वाईफाई के कनेक्टेड में जा रहे हैं, फोन कर रहे हैं, हमारे पास भी फोन आते हैं तो कि भैया ये परेशानी आ रही है, ये परेशानी आई, तो परेशानी के लिए कई लोग तो सोचते हैं कि पत्रकार फोन करे तब जाके साथ इंटरनेट चालू होता है। सॉरी टू से पत्रकारों की खुद परेशानी आ रही है, क्योंकि पत्रकार खुद फील्ड में जाते हैं, वहां से कवरेज करते हैं, उसके बाद ऑफिस आ रहे हैं, उसका ब्रॉडबैंड सुविधाएं यूज करके तब आप सबको खबर दे रहे हैं। अभी फिलहाल के तौर पर टेस्टिंग ये है कि परेशानी आप सभी के लिए नहीं आएगी, क्योंकि 3 घंटे के लिए जितने आप तमाम साथी हमारे साथ जुड़े, क्योंकि इस वक्त आपको बता दूं 400+ लोग जुड़े हैं, तो और लोग जुड़ जाइए ताकि अपडेट अभी आप सभी को हम दे दें। फिलहाल के तौर पर जितने भी तमाम साथी हैं, गुड न्यूज है, आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं, गुड न्यूज इस बात की है कि चालू करने के आदेश आ चुके हैं। आदेश क्या क्या है, 3 घंटे के 1 बजे से लेकर 4 बजे तक, दोपहर में 1 बजे से लेकर 4 बजे तक आप इंटरनेट चालू कर सकते हैं, इंटरनेट के में आप जो भी आपको डाउनलोड है। राकेश मंगल जी, मंगई जी बोल रहे हैं चालू हो गया फैदाबाद में, सिर्फ 3 घंटे के लिए है। सचिन मेहना जी बोल रहे हैं, अभी फिलहाल के तौर पर इंटरनेट का थोड़ा इशू आ गया था, चलिए कोई बात नहीं, शुरू में कहें धक्का मार मार के काम चल रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, सरकार ने कुछ धक्का मार काम किया तो वो भी अच्छी बात है। तो तमाम जितने भी आप साथी हमारे साथ देख रहे हैं, थोड़ा शांति बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार रोज कोई ना कोई खबर आ रही है कि कुछ लोग अपनी भावनाओं को भड़काने की कोशिश करते हैं या शहर में भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज़रा शांति बनाए रखें। पुलिस है और प्रशासन है, वो शांति बनाए रखें, और नूह में इस वक्त जो मामला है वो शांतिप्रिय हो चुका है, कंट्रोल में है, आसपास के इलाकों में जो भी माहौल सुनने को मिल रहा है यही वजह है कि अब आदेश आ चुके हैं कि धीरे धीरे 3 घंटे खोल दिया गया है, और हो सकता है कि जो शाम जो 5 तारीख तक का अपडेट जो दी गई है, तो शायद हो सकता है कि सरकार देख के, हो सकता है कि उसकी
सर्वेक्षण कर ले, देख ले कि कहाँ आसपास के इलाके में कुछ नहीं हुआ, तो हो सकता है कि 5 तारीख से पहले ही आदेश भी वापस ले ले। कुछ नहीं कहा जा सकता, सरकार भी चारों तरफ देख रही है कि कुछ इशू तो नहीं आ रही। अगर इशू क्रिएट होंगे, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर इशू क्रिएट होंगे तो नो डाउट इंटरनेट की सुविधा फिर बंद कर दी जाएगी। सचिन जी बोले बल्लभगढ़ में बंद है, बल्लभगढ़ में बंद है सर, पूरे फैदाबाद की बात है। नेमपाल जी कह रहे हैं 1 से लेकर 4 बजे इंटरनेट अलाउ किया गया, हाँ बिल्कुल सही बात है। समीर जी कहते हैं चल गया है, ओके। समीर कुरैशी जी कहते हैं चल गया है, ओके डन। समीर जी बिल्कुल वही बात कर रहे हैं। तमाम जितने भी साथी हैं, क्योंकि आप सबको अपडेट दे रहे हैं कि अपडेट फिलहाल के तौर पर जितनी है, अपडेट फिलहाल की यही है कि 3 घंटे के लिए इंटरनेट चालू हो चुका है। तो तमाम जितने भी हमारे साथी आप देख रहे हैं कि कोशिश ये है कि जितने भी स्कूल के बच्चे हैं, आप कोशिश कीजिए कि लगातार अभी फिलहाल में जो सीटेट की जो स्क्रीनिंग टेस्ट दिया है, उन लोगों की परेशानी आ रही थी कि डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे एडमिट कार्ड, तो उनके लिए भी फिलहाल के तौर पर ये आदेश की कॉपी में है। तो आदेश की कॉपी में कि अपना उन सीटेट के जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उनकी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी एडमिट कार्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि परेशानी आ रही थी कि एडमिट कार्ड नहीं, हो सकता इस वजह से आया है, ये इसी वजह से भी हो सकता है कि अभी सीटेट वीटेट के एग्जाम कार्ड को, तो शायद ये 3 घंटे का ऑप्शन इसलिए दिया गया है कि 3 घंटे के ऑप्शन में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो तमाम जितने भी आप साथी हैं, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बार बार जाते जाते आपको बता दें 3 घंटे के लिए रिलैक्सेशन है, तो जितना भी आपको काम करना है कर लीजिए, फिर रात में या दोपहर में आप शाम को सोते हैं कि इंटरनेट चालू मिलेगा तो नहीं मिलेगा, 1 बजे